हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी आर्मी के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप रैंक खेल रहे हो तो आपको कौन कौन से कैरेक्टर यूज करने हैं जिससे कि आप आसानी से बोया निकाल सको। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। इंट्रो के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि आप भी अगर रैंक खेल रहे हैं तो आपको कौन कौन से कैरेक्टर लेके खेलना है जिससे कि आप आसानी से बोया निकाल सको। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सोलो खेल रहे हो तो आपको कौन कौन सा कैरेक्टर लेके खेलना है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है, अगर आपके पास करोनो है तो करोनो सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, और अगर आपके पास करोनो नहीं है तो आलोक होगा। अगर आपके पास आलोक है तो आलोक के साथ ये तीनों कैरेक्टर को आपको यूज करना है, और अगर आपके पास आलोक करोनो दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको हयातो कैली मोको के साथ मैक्सिन को यूज करना है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि अगर आप मोको यूज करते हो तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। तो मोको यूज करने से आपको यह फायदा मिलेगा कि अगर आप किसी भी बंदे को एक गोली मार देते हो तो उस पर मोको का साइन लग जाएगा, और वो बंदा जिधर भी रोटेट करेगा वो आपको पता लगेगा और आप आसानी से उसे मार सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने कैली के ऊपर। कैली जो है हमें मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, इसलिए आपको कैली हमेशा लगा के खेलना है। और तीसरा हमारा जो है तो है, उसे आपको यह फायदा मिलेगा कि अगर कोई बंदा आपको डैमेज देता है तो आपका जो डैमेज है उसके वेस्ट पे इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आप आसानी से उसे मार सकते हैं। और मैक्सिन का काम यह है कि अगर आप मेडकिट मारते हो तो वो 12% एक्स्ट्रा फास्ट मेडकिट मारेगा, जिससे कि अगर आपके पास आलोक नहीं है तो आप आसानी से इनमें से बच सकते हो। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि अगर आप डुओ खेल रहे हो तो आपको कौन कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। तो यहाँ पे करोनो हयातो और कैली के साथ एक नया कैरेक्टर आ जाता है जो कि हमारा एंड्रयू है। तो चलिए बताते हैं कि एंड्रयू आपका डुओ में कैसे मदद कर सकता है। तो अगर आप एंड्रयू लेकर खेलते हो तो अगर दो बंदा एक साथ आपको मारता है तो आपका जो बेस्ट है वो बहुत कम डैमेज होगा, और उससे आपको टाइम मिल जाएगा कि सामने वाले बंदे को आप आसानी से डैमेज देके मार सकते हो। और अगर आप डुओ माइक बंद करके खेलते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो है वो मोको ही है, क्योंकि अगर आप मोको लेके खेलते हो और किसी भी बंदे को डैमेज देते हो तो आपके दोस्त को तुरंत पता लग जाएगा और वो आसानी से उसे मार सकता है। और अगर आपके पास करोनो या आलोक नहीं है तो आपको हयातो, एंड्रयू, कैली और मोको लेके खेलना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप फाइट नहीं लेते हो तो ये जो स्क्रीन पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे जो मैंने कैरेक्टर चेंज किया है वो फोर्ड है। तो आइए आप बताते हैं कि आपको फोर्ड यूज क्यों करना है और फोर्ड कैरेक्टर करता क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप फोर्ड कैरेक्टर यूज करते हो तो आपका जो जोन में डैमेज पड़ता है वो बहुत ही कम पड़ेगा, जिससे कि आप जोन में भी रह के आराम से सर्वाइव कर सकते हो और अपना जो माइनस होने का चांस है वो कम कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो तो आपको कौन कौन से कम्बिनेशन रखने हैं। तो स्क्वाड के लिए मैं आपको चार कम्बिनेशन बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कॉमेंट में पार्ट टू लिखें। तो चलिए बताते हैं कि अगर आपका रैंक कम है और आप सिंपल रैंक पुश कर रहे हैं तो आप आलोक या करोनो के साथ आप कैली, हयातो और जोसेफ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जोसेफ का क्या काम है, जोसेफ आपको कैसे मदद कर सकता है स्क्वाड में। तो जोसेफ का यह काम है कि अगर आपको डैमेज पड़ता है तो आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो 16% इंक्रीज हो जाएगा और आप आराम से स्क्वाड के बीच से निकल सकते हो। तो आप बात कर लेते हैं कि अगर आपका रैंक ज़्यादा है और आप रैंक पुश कर रहे हैं तो आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। तो यहाँ आपको हमेशा आलोक लेके खेलना है, क्योंकि अगर आपका लॉबी बहुत ही हार्ड आ जाता है तो आप आलोक के साथ आराम से जोन में रह के अपना रैंक बचा सकते हो। एक बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप आलोक यूज कर रहे हैं तो आपको फोर्ड यूज नहीं करना है। तो चलिए बताते हैं जिन बंदों के पास आलोक नहीं है उनको कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। उनको हयातो, कैली, मोको और फोर्ड यूज करना है। यहाँ पे अगर आप रस गेम प्ले करके रैंक पुश करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फोर्ड को घसका के आपको जोसेफ लगा देना है, क्योंकि अगर आप रस मारते हो बंदों पे और आपको डैमेज पड़ जाता है तो आप आसानी से वहाँ से निकल सकते हो अगर आपके पास जोसेफ हो तो।
तो अब बढ़ते हैं हम अपने गिव अवे की तरफ। मैंने बोला था अगर पिछले वीडियो में 300 लाइक पहुंचता है तो मैं 100 डायमंड का गिव अवे करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में 54 लाइक ही गए हैं, तो इसलिए उस वीडियो का विनर कोई नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में भी हम गिव अवे रखते हैं। अगर आप लोग मिलके इस वीडियो में 300 लाइक कर देते हो तो मैं इस वीडियो में 100 डायमंड का गिव अवे करूंगा। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने नाम के साथ अपनी UID कमेंट करनी है। और अगर इस वीडियो में 300 लाइक पहुंच जाता है तो मैं अगले वीडियो में विनर का अनाउंसमेंट कर दूंगा। एक बात और मैं बता दूं कि मैं कल से लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं, इसलिए जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि मैं जब भी लाइव करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप लाइव में आ सके। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी आसानी से रैंक पुश कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।